समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। जबलपुर में देर रात शक्तिनगर में पुरानी रंजिश को लेकर हुआ विवाद। विवाद में आपस में चाकू से हमला किया गया। हमले में दो युवक घायल हो गए। कृपाल चौक क्षेत्र के बदमाशों ने मेडिकल में पहुंचे घायलों और उनके परिजनों से भी मारपीट की। मेडिकल में बदमाशों ने मामला दर्ज नहीं करवाने की धमकी दी। पुलिस ने शक्तिनगर के बदमाश अंकुश राय और राजा विश्वकर्मा पर मामला दर्ज कर लिया है। दिखा दे आयुष्मान कार्ड ऐसे नहीं चालू है। दो तीन मैं कृपाल चौक से आई हूँ। ये मामला शक्तिनगर सुविधा मार्केट का है। वहाँ पर मेरा भाई और उसके दोस्त खड़े थे, तभी अंकुर राय और राजा विश्वकर्मा आए और शशांक तिवारी को पकड़ के बोलते कि पुराने विवाद में कॉम्प्रोमाइज़ कर ले और जो हमारा खर्चा लगा है वो पैसे दे दे। जब उसने देने से मना किया तो उसके ऊपर इन लोग ने हमला करने की कोशिश की। उसी बीच सोनू कुशवाहा और सागर तिवारी आए बीच बचाव करने, तो इन लोग ने इनके ऊपर तलवार और चाकू से हमला कर दिए। उसके बाद जब इन लोग वहाँ से आए तो हम थाने गए। थाने के बाद हम लोग जब यहाँ पे आए तो इन लोग ने यहाँ पे आकर इनके और साथ वालों ने, रॉबिन विश्वकर्मा ने, अवनीत सिंह तलवार ने, आरओ ने मिलकर मेरे साथ जुआ झपटी करी, मुझसे अस्पताल के अंदर हाथापाई करी और मुझसे बोला कि इन कोई रिपोर्ट नहीं करना नहीं तो जान से मार देंगे। और इस सब के बाद सोनू कुशवाहा और सागर तिवारी को तलवारों से चोट आई है। ये थी आज की खबरें। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।